Assalamu alaikum students, today is 20th April and time is 3:30 and we are going to discuss about data modeling. इससे पहले वालेकुम अस्सलाम. इससे पहले मैं आपको बता रहा था So students, we were discussing about relational algebra and SQL. सो रिलेशनल अलजेब्रा में हमने डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं वो डिस्कस किए और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम यूजिंग एसक्यूएल हमने उसको इम्प्लीमेंट किया उन ऑपरेशंस को. सो बेसिक एसक्यूएल जो है उसमें हमने डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से रिलेटेड डिफरेंट क्यूरीज जो हैं वो डिस्कस कर ली थी और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से. तो अब कुछ एडवांस एसक्यूएल से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो कि हम इस टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे. उन एडवांस टॉपिक्स में हम देखेंगे ट्रिगर्स, कंस्ट्रेंट्स, स्टोर प्रोसीजर्स, व्यूज, इंडेक्सेस. सो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एडवांस एसक्यूएल में हैं. तो इसको हम इस टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे. आज का टॉपिक है डेटा मॉडलिंग और ईआरडी. ओके, सो ईआरडी जो है या मॉडलिंग जो है वो इस कोर्स का 1/3 है. 1/3 मीन्स के अगर इस कोर्स को पढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव होता है तो 30% जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका वो बेसिकली ये है कि आपको डेटा मॉडलिंग आनी चाहिए. ओके, सो डेटा मॉडलिंग क्या होती है इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं लेकिन हम दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे. सो सो देयर आर 3 पीसेस ऑफ कोर्स जो कि डेटाबेस डिज़ाइन है. ठीक है, तो ये तीसरा इसका पार्ट है कोर्स का. सो एसक्यूएल को और इम्प्लीमेंटेशन को हम साथ साथ जो है वो डिस्कस करते रहेंगे. ठीक है, डेटा मॉडलिंग क्या होती है, व्हाई वी लर्न अबाउट डेटा बेस मॉडलिंग, व्हाई डेटा बेस मॉडलिंग इज सो इम्पोर्टेंट. डेटा बेस मॉडलिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर हम डायरेक्टली किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो एक तो ये है कि वो हो तो फास्ट जाएगा लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. पुअर डिज़ाइन हो सकता है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है उसकी, इसकी वजह से बाद में हमें उसको चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर माइनर सी भी चेंज करनी पड़ी उस प्रॉब्लम को जो भी हमने प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो पूरा का पूरा जो डेटाबेस डिज़ाइन है वो हिल जाएगा. ठीक है, तो एक चीज़ को अगर हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो हो सकता है उसके कॉन्सिक्वेंसेज दूसरे जो रिलेशन हैं उनके ऊपर भी जाए. मीन्स के ऑब्वियसली जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है डेटा मॉडलिंग का या डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन का वो है रिलेशन. रिलेशन मीन टेबल्स. तो अगर एक टेबल जो है उसको हम उसके साथ कुछ उसमें चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसकी डिपेंडेंसीज जो हैं वो दूसरे टेबल्स के ऊपर हैं उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे डेटाबेस के ऊपर जाएगा. तो तब वो ज़्यादा सीवियर हो जाएगा कि हम इसको अगर हम कोई मेजर चेंज करते हैं तो हमें नए सिरे से स्क्रैच से दोबारा से डेटाबेस इम्प्लीमेंट करनी पड़ सकती है. ठीक है, तो बजाय इसके कि हम इस इतना बड़ा रिस्क लें तो हम बेसिकली स्टार्ट ही में हम एक अच्छा एफिशिएंट डिज़ाइन जो है वो बनाते हैं. एफिशिएंट डिज़ाइन और अच्छा डिज़ाइन होने का क्या मतलब है, इसके दो तीन मतलब इनमें से ये है कि अगर एक ही प्रोजेक्ट है उसको दो तीन डिफरेंट स्टूडेंट्स ने उसको इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, तो ऑब्वियसली तीनों के जितने भी स्टूडेंट्स उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हर एक का अपना डिफरेंट डेटाबेस डिज़ाइन होगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी. ओके, तो कुछ डिज़ाइन पुअर होंगे, कुछ डिज़ाइन जो हैं वो रिलेटिवली अच्छे होंगे. तो वो रिलेटिवली अच्छे होने का क्या मतलब है, रिलेटिवली अच्छे होने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा डेटाबेस कोई स्टूडेंट ऐसा डेटाबेस डिज़ाइन कर सकता है जिसमें डेटा रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा हो. ठीक है, तो डेटाबेस डेटा रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा होने का मतलब यह है कि वो पुअर डेटाबेस डिज़ाइन है. ओके, और ऑब्वियसली डेटा रिडंडेंट होगा तो डेटा इनकंसिस्टेंसी हो सकती है नंबर वन, और नंबर टू स्टोरेज ज़्यादा लगेगी आपकी, तो स्टोरेज स्पेस जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी. तो ये दो खराबियाँ हैं जिसको हम बेस बना के हम कहते हैं कि हमने पुअर डिज़ाइन से गुड डिज़ाइन की तरफ जाना है. ओके, तो अब जब हम गुड डिज़ाइन की तरफ जाते हैं, हम डेटा कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं और डेटा रिडंडेंसी को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो इसके इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. फिर अगर हम डेटा रिडंडेंसी जो है उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हमें एक टेबल को मल्टीपल टेबल्स में डिकम्पोज करना पड़ता है. ओके,
सो उससे डेटा जो है वो रिड्यू डेटा रिडंडेंसी खत्म हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि जब हम जो क्यूरी है उसके ऊपर हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस क्यूरी की एग्जीक्यूशन में हमें जॉइंट्स लगाने हेलो, हमें जॉइंट्स लगाने पड़ते हैं। ओके तो एफिशिएंट डिज़ाइन का मतलब ये है कि डेटा रिडंडेंसी कम होनी चाहिए, ऑलमोस्ट ज़ीरो होनी चाहिए डेटा रिडंडेंसी, और आपका जो उससे ऑब्वियसली आपकी स्पेस एफिशिएंसी जो है वो अचीव होगी नंबर वन, और नंबर टू उसमें डेटा इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी। तो ये होगा डेटा एफिशिएंसी का जो डेटाबेस गुड डेटाबेस डिज़ाइन का ऑब्जेक्टिव ये होगा, ठीक है। लेकिन मैं ये बता रहा था इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो ये हैं कि जब आप एक टेबल को मल्टीपल टेबल्स में डिकम्पोज करते हो टू रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, तो उससे ये होगा कि जब आप क्यूरी एग्जीक्यूट करोगे उसके ऊपर तो मल्टीपल आपको टेबल से डेटा लेके आना पड़ेगा, तो टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जब हम टेबल को ज्वाइन करते हैं तो हमारी जो क्यूरी एफिशिएंसी है वो उसके ऊपर इफेक्ट आता है, ठीक है। मीन्स उसके ऊपर जो टाइम लग रहा होता है एज कम्पेयर टू सिंगल रिलेशन से अगर हमने डेटा लेके आना है तो वो टाइम जो है वो उसमें ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो फिर हम उसके ऊपर हम बाद में आते हैं कि हम किस तरह से डेटा इनकंसिस्टेंसी भी अचीव कर लें, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी कर लें, और किस तरह से क्यूरी ऑप्टिमाइज भी कर लें। तो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का पूरा एक चैप्टर है, तो उसमें हम कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपनी क्यूरीज को एफिशिएंट या फास्ट बना सकते हैं कंसिडरिंग के हमने डेटा इनकंसिस्टेंसी जो है वो नहीं होने देनी। ओके सो आपको पता चल गया कि हम डेटा मॉडलिंग जो है वो करते क्यों हैं। डेटा मॉडलिंग हम इसी वजह से कर रहे हैं कि हम पेपर पे डिज़ाइन करेंगे और उसके ऊपर वो सारी की सारी चीज़ें जो है पहले से एनालिसिस अप्लाई कर लेंगे कि अच्छा इसमें ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, हम इस तरह से डिज़ाइन करेंगे तो बेस्ट डिज़ाइन होगा, डेटा रिडंडेंसी नहीं होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। सो डेटा इसका पर्पस आपको समझ आ गया कि पर्पस इसका क्या है। तो ये होती कैसे है डेटा मॉडलिंग जो है, इसको बेसिकली हम ड्राइंग ड्राइंग कहते हैं कि हम इसको ड्राइंग करते हैं, और वो जो ड्राइंग होती है जो मॉडलिंग होती है वो हम यूजिंग डेटा मॉडलिंग जो है, मॉडल का मतलब ये होता है कि एन इट इज इट रिप्रेजेंट्स एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है। इट इज़ अ यूजली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो आप ग्राफिकली आप किसी भी डिज़ाइन को आप जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ पे चूंकि जो डेटाबेस है उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है रिलेशन, ओके। हम यहाँ पे उसके इक्विवेलेंट जो मॉडल बना रहे हैं उसको हम कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसको हम कहते हैं इन शॉर्ट टर्म ERD। एंटिटी रिलेशन डायग्राम्स में होता क्या है, ये कैसे वर्क करती है। हमारा ऑब्जेक्टिव या पर्पस ये है कि हमने अपने आइडियाज को एंटिटी रिलेशन डायग्राम में डिजाइन करना है, ठीक है, और फिर उस डिजाइन को हमने रिलेशनल स्कीमा में कन्वर्ट करना है, और फिर वो रिलेशनल स्कीमा जो है वो हम उसको जो है ना वो अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट कर देंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। ओके तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आइडियाज को हमने ERD डिजाइन में लेके आना है। ERD डिजाइन क्या होता है वो भी हम देखते हैं, उसके बाद ERD डिजाइन को हमने रिलेशनल स्कीमा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे लेक्चर में आप लर्न करेंगे कि हाउ यू कैन डिजाइन ERD डायग्राम एंड देन हाउ यू कैन कन्वर्ट ERD डिजाइन इनटू रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा। ओके सो लेट्स स्टार्ट। अब ERD जो है वो डायग्राम उसमें होता क्या है, उसमें बेसिकली आपके पास एंटिटीज होती हैं, इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं एंटिटी रिलेशन डायग्राम में, एंटिटीज होती हैं, ओके। और जो एंटिटी क्या होती है, एंटिटी इज एनी थिंग अबाउट विच यू वॉन्ट टू स्टोर डेटा। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन अबाउट विच यू वॉन्ट टू स्टोर डेटा इज एन एंटिटी, अ यूनिवर्सिटी अबाउट विच यू वॉन्ट टू स्टोर डेटा इज एन एंटिटी, ओके। एक तो एंटिटी हो गई, एंटिटी वही वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप डेटा जो है वो स्टोर करना चाहते हैं, और नंबर टू एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स होंगे, मीन्स जितनी भी एंटिटीज आप स्टोर करना चाहते हो उन एंटिटीज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आप स्टोर करना चाहते हो, दोज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, ओके। और हम ERD डायग्राम में एंटिटी को एक रेक्टेंगल की शेप में रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज मैंने बताया था कि डेटा मॉडलिंग जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो ग्राफ ग्राफ में हम जो इसकी रिप्रेजेंटेशन देंगे एंटिटी की वो एक
हमारे पास ये रेक्टेंगल होगी, ओके और जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे किसी भी एंटिटी को, उसको हम ओवल शेप में रिप्रेजेंट करेंगे, ओके और तीसरा जो कंपोनेंट होता है ईआरडी का, वो है रिलेशनशिप्स, ओके सो एक एंटिटी जो है वो दूसरी एंटिटी के साथ कोई किसी रिलेशनशिप में होगी, ओके तो उन रिलेशनशिप्स को हम जो है वो किस तरह से मैप करेंगे यूजिंग डायमंड, ओके तो डायमंड जो है वो यूज होगा रिलेशनशिप्स के लिए, ओवल यूज होगा एट्रीब्यूट्स के लिए, और रेक्टेंगल यूज होगा एंटिटीज के लिए, ओके ओके तो ये मैंने आपको बता दिया कि एंटिटी क्या होती है और एट्रीब्यूट क्या होता है, एंटिटी सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज, जब हम मल्टीपल एंटिटीज को यूजिंग रिलेशनशिप उनको कनेक्ट करेंगे तो वो एक एंटिटी सेट बन जाएगा, ओके सो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एंटिटी रिलेशन डायग्राम में एंटिटी को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, एट्रीब्यूट्स को ओवल से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी एग्जांपल देखें कि हमारी जो एंटिटी रिलेशन डायग्राम की जो डेटा मॉडलिंग है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो कैसे है। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ स्टूडेंट जो कि एक एंटिटी है, तो ये कैसे पता चला कि ये एंटिटी है, क्योंकि हमने इसको रिक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया, ओके इस एंटिटी के तीन एट्रीब्यूट्स हैं, एक है एड्रेस, एक है पीआईडी और एक है नेम। ये एट्रीब्यूट्स कैसे पता चला, क्योंकि हमने कहा है कि हम ओवल से एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्टूडेंट्स के थ्री एट्रीब्यूट्स हैं नेम, पीआईडी एंड एड्रेस, उसको हमने ओवल से रिप्रेजेंट किया है और वो इस एंटिटी के साथ हमने यूजिंग एज कनेक्ट कर दिए हैं, ओके इस तरह से कोर्स है, कोर्स एक हमारे पास एंटिटी है, तो इसके भी एट्रीब्यूट्स, इसके चार एट्रीब्यूट्स हैं नंबर, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड क्लासरूम, ओके तो ये हमारे पास एंटिटी सेट्स की एग्जांपल है। एंटिटी सेट्स का मतलब यह है कि मोर देन वन एंटिटीज जो हैं वो आपके डेटा मॉडल में एग्जिस्ट करती हैं, ओके अब रिलेशनशिप्स को हम कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, रिलेशनशिप्स जो है उसको हम डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि डोंट कंफ्यूज रिलेशनशिप्स विद रिलेशंस, रिलेशनशिप्स और चीज है, रिलेशंस और चीज है, रिलेशन मीन टेबल और रिलेशनशिप्स मीन्स दे हैव अ रिलेशनशिप, अ बिहेवियर बिटवीन ईच अदर, ठीक है। रिलेशनशिप जो है वो कनेक्ट करने के लिए यूज होता है टू और मोर एंटिटी सेट्स, ओके ओके सो अब जो ईआरडी डायग्राम है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो आपको बेसिकली एक ओवरव्यू प्रोवाइड करती है स्कीमा का, डेटाबेस स्कीमा का ओवरव्यू प्रोवाइड करती है, ओके मींस आपको पता चल जाना चाहिए कि अच्छा ये एंटिटी है स्टूडेंट के नाम से और इसके बारे में हमने ये एट्रीब्यूट स्टोर करने हैं, क्लासरूम है, क्लास के बारे में हमने ये एट्रीब्यूट स्टोर करने हैं, कोर्स है, कोर्स के बारे में हमने ये, तो यू यू एक्चुअली गेट द द हाई लेवल व्यू अबाउट स्कीमा ऑफ द डेटाबेस, ओके स्कीमा का मतलब ये है कि टेबल कौन कौन से बनेंगे आपके माइंड आपके डेटाबेस में, और उनके उनके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे, उनकी टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं, उनकी प्राइमरी की कौन सी होगी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये सारी चीज़ें जो है डेटाबेस स्कीमा का पार्ट होती हैं। तो डेटा मॉडलिंग इज एक्चुअली गिव यू एन इंफॉर्मेशन अबाउट डेटाबेस स्कीमा, ओके जबकि अगर आपने डेटा के बारे में कुछ पता करना हो कि इसमें डेटा कौन कौन सा स्टोर होता है, उसको हम कहते हैं इंस्टेंस ऑफ ईआरडी डायग्राम। इंस्टेंस ऑफ ईआरडी डायग्राम का मतलब ये है कि अगर एक जो एंटिटी सेट्स हैं वो आपस में किसी रिलेशनशिप में है, तो वो किस तरह से डेटा जो है उनका स्टोर होगा, ओके इसको हम इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस कहते हैं, ओके इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस जो है, या इंस्टेंस ऑफ ईआरडी डायग्राम, या इंस्टेंस ऑफ एंटिटी सेट जो है, ये टोटली स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करता है कि आपने डेटा को किस तरह से स्टोर किया हुआ, मीन्स टपल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ईच एंटिटी इज अ टपल कंटेनिंग स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ ईच एट्रीब्यूट, ओके सो ये आपको जो इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी है, एंटिटी सेट है, ये बेसिकली आपको हर एट्रीब्यूट की वैल्यूज के बारे में बताएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन, जब जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे तो आपको चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। सो जो रिलेशनशिप्स हैं वो हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज, मैनी टू वन रिलेशनशिप,
बिटवीन टू एंटिटीज एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज। ओके, अगर हमारे पास इसको हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि मल्टीप्लाइसिटी ऑफ बाइनरी रिलेशनशिप्स। ये बाइनरी रिलेशनशिप का क्या मतलब है? बाइनरी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि दो एंटिटीज के दरमियान हमारे पास जो रिलेशनशिप हो सकते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। उसको कहते हैं मल्टीप्लाइसिटी ऑफ बाइनरी रिलेशनशिप्स। मीन्स कि दो एंटिटीज के दरमियान जो कितनी तरह के डिफरेंट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, मैनी टू वन। फर्स्ट अगर आपने इस चीज़ को टैकल कर लिया तो आपको बाकी सारी चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। फर्स्ट है मैनी टू वन रिलेशनशिप। मैनी टू वन फ्रॉम ए टू बी का मतलब ये है, इसका मीनिंग जो है वो अब्जॉर्व करना बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम ए टू बी, एक एक ए एंटिटी है, एक हमारे पास बी एंटिटी है, और ए टू बी जो है वो मैनी टू वन का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ईच एंटिटी इन ए इज कनेक्टेड टू एट मोस्ट वन एंटिटी इन बी। ओके, अब ये एंटिटी किसको कह रहा है? ये एंटिटी जो है वो बेसिकली ए हमारे पास एक रिलेशन है और बी भी हमारे पास एक रिलेशन है। ठीक है, तो ए में मल्टीपल टपल्स हो सकती हैं और बी में भी मल्टीपल टपल्स हो सकती हैं। ओके, सो ए की जो एक टपल होगी, वो एट मोस्ट वन टपल इन बी के साथ कनेक्ट होगी। इसका क्या मतलब है? ये अभी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ आगे, अभी इसको होल्ड पे रखें। ठीक है, वन टू वन का रिलेशन का मतलब क्या है कि व्हेन अ रिलेशनशिप इन मैनी टू वन फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, इसकी भी आपको तभी समझ आएगी जब आपको एट मोस्ट का समझ आएगा। जब आपको एट मोस्ट का समझ नहीं आएगा जब तब तक आप जो है ना इसको नहीं समझ पाएंगे। ओके, अब हम कहाँ पे है वो चीज़ एग्जैक्टली? वन चलें यहाँ इस एग्जांपल से देखते हैं हम। देयर इज अ स्टूडेंट एंड एंड हमारे पास एक ही एंटिटी है और एंटिटी सेट है स्टूडेंट्स का, और ये हमारे पास कोर्सेज हैं, एंटिटी सेट हमारे पास ये है। सो ये जो एरो हमारे पास, ये बारा हमारे पास जो एरो है, इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली वन। एरो का मतलब यहाँ पे है एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन का क्या मतलब है? ईच एंटिटी इन स्टूडेंट्स एंटिटी सेट, ईच एंटिटी इन स्टूडेंट्स एंटिटी सेट हैज एग्जैक्टली वन कोर्स, हैज एग्जैक्टली वन कोर्स। इसका ये मतलब है। जहाँ पे भी आपको ये एरो नजर आ रहा है, इसका मतलब है एग्जैक्टली वन। तो आपने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपने जब इसको रीड करना है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ईच स्टूडेंट कैन हैव एग्जैक्टली वन कोर्स, इसका ये मतलब है। और एट मोस्ट का क्या मतलब है? यहाँ पे जो आपको ये एरो यहाँ पे इस आपके पास ये जो डायग्राम है, यहाँ पे प्रोफेसर और प्रोफेसर जो है वो एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रूम्स भी एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे आप इसको ये जो डायमंड है ये बेसिकली रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रोफेसर और रूम्स जो हैं दे आर इन ऑफिस रिलेशनशिप्स। ओके, सो यहाँ पे इसका मतलब ये है, जिस तरफ भी एरो लगा होगा इसका मतलब होगा एट मोस्ट। क्या होगा इसका मतलब? एट मोस्ट वन। एट मोस्ट वन का मतलब ये है कि मैक्सिमम वन हो सकती है कुछ चीज। मीन्स वन प्रोफेसर, अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट रीड करें, वन प्रोफेसर कैन हैव एट मोस्ट वन रूम। ओके, एक प्रोफेसर जो है हो सकता है उसके पास जीरो रूम हो सकता है उसके पास वन रूम हो। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम इसको कन्वर्सली इस एरो की तरफ से रीड करेंगे, तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इसका मतलब यह है कि एक रूम, वन रूम कैन हैव एट मोस्ट वन प्रोफेसर। एक रूम जो है हो सकता है उसमें कोई भी प्रोफेसर ना हो, एक रूम में हो सकता है एक प्रोफेसर हो। तो जो ये जो हमारे पास एरो है, एरो जो है वो एट मोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बहुत जरूरी है समझना कि एट मोस्ट का क्या मतलब है। एरो का मतलब एट मोस्ट है। यहाँ पे अगर आप एरो नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि कोई कंडीशन नहीं है, लाइक दिस स्टूडेंट्स और कोर्सेज का आपस में रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब है, आप इसको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब आप रीड करोगे स्टूडेंट्स से कोर्सेज की तरफ, तो आप इसको कुछ इस तरह से रीड कर सकते हो। वन स्टूडेंट कैन टेक
एज मैनी कोर्स एज ही और शी वॉन्ट्स। इसका मतलब यह है कि एक स्टूडेंट जितने चाहे कोर्स ले सकता है। एक स्टूडेंट जीरो कोर्स भी ले सकता है, एक स्टूडेंट एक कोर्स भी ले सकता है, एक स्टूडेंट मैनी कोर्सेज ले सकता है। तो ये है स्टूडेंट से कोर्सेज की तरफ वन टू मैनी का रिलेशनशिप, वन टू मैनी का रिलेशनशिप। ओके, अगर हम कोर्सेज से स्टूडेंट्स की तरफ रीड करें फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इसका मतलब होगा कि वन कोर्स जो है वो मैनी स्टूडेंट्स ले सकते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है जिसमें कोई भी एरो मेंशन नहीं है, ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। जब भी हम एक लाइन लगा देंगे बिटवीन टू एंटिटी सेट्स, तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों जो है वो मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप में है। ओके, लेकिन अगर एरो जो है वो दोनों तरफ लगा देंगे, ओके, ये एरो यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसका मतलब होगा कि दोनों एंटिटीज जो हैं वो वन टू वन रिलेशनशिप में हैं। क्यों? कि एक प्रोफेसर जो है वो एक एक रूम जो है उसके पास हो सकता है मैक्सिमम, और एक रूम जो है वो एक ही प्रोफेसर के पास हो सकता है। तो ये वन टू वन का रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप हो गया। ओके, तो अगर हम मैनी टू वन की बात करें तो यहाँ पे है मैनी टू वन का रिलेशनशिप प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के दरमियान। वन स्टूडेंट, अगर हम स्टूडेंट से प्रोफेसर की तरफ रीड करें फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वन स्टूडेंट कैन हैव मैनी प्रोफेसर, एट मोस्ट वन प्रोफेसर। इसका मतलब ये है एट मोस्ट वन प्रोफेसर। वन स्टूडेंट कैन बी एडवाइज्ड बाय एट मोस्ट वन प्रोफेसर। जब भी जहाँ जिस तरफ एरो लगा होगा उस तरफ आपने एट मोस्ट का जो जो नंबर है उसको आपने रीड आउट करना है। अगर हम सर इसमें कन्वर्सली रीड करें, अगर हम कन्वर्सली रीड करें तो मैं आपको आपके पास आता हूँ। अगर हम कन्वर्सली रीड करें कि वन प्रोफेसर कैन एडवाइस मल्टीपल स्टूडेंट्स, अगर आपने एरो मेंशन नहीं किया, इसका मतलब होगा कि एज मैनी एज यू वांट। तो एक एक प्रोफेसर जो है वो मल्टीपल स्टूडेंट्स को एडवाइस कर सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट जो है वो एक ही प्रोफेसर को एडवाइस कर सकता है। ओके, सो नहीं सर ओके, सो एक जो मैं बता रहा था कि एक एंटिटी जो है उसके आपस मतलब एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ यूजुअली एक रिलेशनशिप होता है, लेकिन एक से ज्यादा भी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। ठीक है, सो उसको हम कहते हैं रोल्स। मींस एक एंटिटी जो है वो दूसरी एंटिटी के साथ एक से ज्यादा रोल्स के साथ कनेक्ट हो सकती है। ओके, जैसे कि यहाँ पे कोर्सेज है, तो कोर्सेज के तीन एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, क्लासरूम, एनरोलमेंट। और ये जो है ये रिक्वायर भी है कोर्स, और कुछ कोर्सेज में हैं वो रिक्वायरमेंट भी हैं। ठीक है, मींस कि अगर आपने कोई कोर्स पढ़ना है तो उस कोर्स का प्री रैक जो है वो भी कोई होगा ऑब्वियसली, और इस कोर्स की पढ़ने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो भी कुछ इस तरह से हम इसको एग्जैक्टली देखेंगे कि हमें इसको इसका क्या मतलब है। लेकिन इसकी सिंपल एग्जांपल जो है वो ये है कि जैसे कि स्टूडेंट्स और कोर्सेज हैं तो ये दो एंटिटीज हैं, तो जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट और कोर्सेज जो है वो सिर्फ एक रिलेशनशिप के साथ आपस में कनेक्ट हो, वो दो रिलेशनशिप के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो उनको हम कहते हैं पैरेलल रिलेशनशिप्स। ओके, सो जिस तरह से स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट कैन टेक कोर्सेज, ठीक है, वो कोर्स ले सकते हैं, और स्टूडेंट जो है वो टीए भी हो सकता है किसी कोर्स का। तो ये दोनों जो है वो डिफरेंट हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं। ओके, तो दो एंटिटीज के दरमियान एक से ज्यादा जो है वो रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, उसको हम पैरेलल रिलेशनशिप्स के साथ कनेक्ट करते हैं। ओके ओके, सो जो वन टू वन है, मैनी टू वन है, या मैनी टू मैनी है, ठीक है, ये रिलेशनशिप्स जो हैं वो मल्टीपल एंटिटीज के दरमियान ये रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। मीन्स एक से ज्यादा एंटिटीज जो हैं वो किसी एक रिलेशनशिप में हो सकती हैं। ओके, यहाँ पे उसकी एग्जांपल जो है उसने मेंशन नहीं की इस स्लाइड, यहाँ पे स्लाइड नज़र नहीं आ रही मुझे जिसमें एक से ज़्यादा मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट मी शो अनदर।
ओके ये यहाँ पे मैं आपके साथ मैंने एक बुक शेयर की है, तो बुक का फोर्थ चैप्टर है, ठीक है। उसमें आपको ये बुक नज़र आ रही है मेरी स्टूडेंट्स? यस सर, नजर आ रही है। यस सर, आ ओके, रही है। इसमें हमारे पास क्या है, एक से ज्यादा एंटिटीज है हमारे पास। यहाँ पे स्टार, मूवीज और स्टूडियो, ये हमारे पास तीन एंटिटीज हैं इसमें। तो ये तीन एंटिटीज जो हैं वो एक रिलेशनशिप में है, इसको हम कहते हैं थ्री वे रिलेशनशिप। ओके, तो ये मल्टी वे रिलेशनशिप की एग्जाम्पल है। मल्टी वे रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आपके पास बाइनरी से मल्टीपल एंटिटीज जो है वो एक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये थ्री वे रिलेशनशिप है, इसमें तीन एंटिटीज जो है वो एक रिलेशनशिप में है। ओके, सो इसको कहता है कि इसको हम बाइनरी रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने थ्री वे रिलेशनशिप को बाइनरी रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना है, मीन्स बाइनरी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि वो जो रिलेशनशिप होगा वो बिटवीन टू एंटिटीज होगा। ओके, यहाँ पे थ्री वे एंटिटीज है, थ्री वे रिलेशनशिप है। तो इसको अगर आपने इसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो वो एग्जांपल दे रहा है उधर, क्योंकि उसने इसकी एग्जांपल पुट नहीं की थी, तो उसकी ऑब्वियसली आपको ऑब्वियसली समझ नहीं आएगी। तो मैं इसको कैरी ऑन करता हूँ यहाँ पे, कि रोल्स की बात हो रही थी। रोल्स का मतलब ये है कि एक एंटिटी जो है वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में आपस में कनेक्ट हो सकती है। तो ये सेल्फ रिलेशनशिप है एक एंटिटी का, जैसे मूवी है, तो मूवीज के सीक्वल होते हैं। ओके, तो अगर हम इसको रीड करें ना, ये सेल्फ रिलेशनशिप है, इस मूवी का मूवी के साथ रिलेशनशिप है। तो इसको अगर हम रीड करें ना इस तरफ से, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इसका मतलब है वन मूवी हैज सीक्वल ऑफ एटमोस्ट वन ओरिजिनल मूवी। इसका मतलब ये है कि मूवी जो है उसका सीक्वल जो है वो किसी एक ओरिजिनल मूवी का होता है एटमोस्ट। ये एटमोस्ट का मतलब है। अगर हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में रीड करें, तो इसका मतलब ये होगा कि वन मूवी कैन हैव मैनी सीक्वल्स। ओके, ये सीक्वल इसका एक हमारे पास रोल है, और एक हमारे पास इसका रोल है ओरिजिनल। ओके, तो जो जो अगर हम इसको एरोज को लेबल कर दें, ठीक है, नॉर्मली हम ये जो एरोज होते हैं रिलेशनशिप्स में, इसको हम लेबल नहीं करते। अगर हम इनको लेबल कर दें तो इसको हम कहते हैं रोल्स, ठीक है। तो रोल्स ऑफ रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि आप डिफाइन कर रहे हैं कि अगर आपने लेफ्ट टू राइट जाना है या राइट टू लेफ्ट जाना है, तो उसका क्या मतलब है। ओके, इसका मतलब ये है कि वंस वन सीक्वल कैन बी एट कैन हैव एट मोस्ट वन ओरिजिनल मूवी, और वन ओरिजिनल मूवी जो है वो कैन हैव एज मैनी एज सीक्वल्स एज यू वॉन्ट। ओके, मीन्स मैनी सीक्वल्स। सो ये थी रोल्स की बात हो गई। जैसा कि इसकी और एग्जांपल लेते हैं रोल्स की, हमारे पास फोर वे रिलेशनशिप्स भी हमारे पास हो सकते हैं। फोर वे रिलेशनशिप का मतलब ये है, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक जो एंटिटी होती है हमारे पास, उसमें जैसे स्टूडियो है यहाँ पे, तो स्टूडियो जो है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो स्टार्स और मूवीज जो जो एंटिटीज हैं इनके साथ जो उनका जो स्टूडियो का रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप सिर्फ स्टूडियो ऑफ स्टार का हो सकता है एज वेल एज प्रोड्यूसिंग स्टूडियो का हो सकता है। इसको हम अगर रीड करें, तो रीड मैं कुछ इस तरह से करूँगा, इसमें चार जो है वो डिफरेंट हमारे पास रिलेशनशिप्स बनते हैं। वो कैसे, स्टार टू मूवी का एक रिलेशनशिप बनता है हमारे पास, ये है जो डायमंड के फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, ये है रिलेशनशिप। स्टार कैन कॉन्ट्रैक्ट्स विद मूवीज, ओके, इसका ये एक एक रिलेशनशिप बनता है ये, ठीक है। मीन्स मैनी मूवीज कैन हैव मैनी स्टार्स, इसका जो स्टार्स और मूवी का जो रिलेशनशिप बनता है वो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बन रहा है यहाँ पे, कि एक स्टार जो है वो मैनी मूवीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और एक मूवी जो है उसमें बहुत सारे स्टार्स हो सकते हैं। ओके, मीन्स एक मूवी जो है वो मैनी स्टार्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो ये एक रिलेशनशिप है। ओके ओके बाद उसके बाद स्टार्स और स्टूडियो का भी आपस में रिलेशनशिप है, कि एक स्टार जो है
वो एट मोस्ट वन स्टूडियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो आप देख सकते हो कि वन स्टार कैन कॉन्ट्रैक्ट एट मोस्ट वन स्टूडियो। तो इसका मतलब है कि एक एक स्टार जो है वो सिर्फ एक स्टूडियो के साथ काम कर सकता है, लेकिन एक स्टूडियो जो है वो बहुत सारे स्टार्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ये है हमारे पास मैनी टू वन का रिलेशनशिप। ओके, जिस तरफ हमारे पास एरो नहीं होगा वो मैनी होगा, और जिस तरफ हमारे पास एरो होगा उसका मतलब आएगा एट मोस्ट वन। तो दिस इज मैनी टू वन रिलेशनशिप फ्रॉम स्टार्स टू स्टूडियो। ओके, तो ये दूसरा रिलेशनशिप हो गया। अब तीसरा रिलेशनशिप जो है मूवीज और स्टूडियो के दरमियान हो सकता है। मूवीज, वन मूवी कैन कॉन्ट्रैक्ट विद एट मोस्ट वन प्रोड्यूसिंग स्टूडियो। ओके, सो मूवीज जो है वो स्टूडियो के साथ प्रोड्यूसिंग स्टूडियो के रोल में होगी। सो ये जो मूवीज और स्टूडियो का जो रिलेशनशिप है वो भी मैनी टू वन का है। मीन्स के मैनी मूवीज कैन कॉन्ट्रैक्ट विद सेम स्टूडियो विद एट मोस्ट वन स्टूडियो, और एक स्टूडियो जो है उसके वो बहुत सारी मूवीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसके बाद जो लास्ट वाला जो ये जो आप मैंने लाइनें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, ये थ्री वे रिलेशनशिप है। जो लास्ट हमारे पास जो रिलेशनशिप बनता है वो है सेल्फ रिलेशनशिप। स्टूडियो जो है वो उसका आपस में भी उसका रिलेशनशिप है। स्टूडियो कैन कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर स्टूडियो। मीन्स ये जो अगर हम इस सर्कल की बात करें, इसका सर्कल का मतलब ये है कि वन स्टूडियो कैन कॉन्ट्रैक्ट विद एट मोस्ट वन प्रोड्यूसिंग स्टूडियो। वन स्टूडियो ऑफ स्टार कैन कॉन्ट्रैक्ट विद एट मोस्ट वन प्रोड्यूसिंग स्टूडियो, एंड वन प्रोड्यूसिंग स्टूडियो कैन कॉन्ट्रैक्ट विद एट मोस्ट वन स्टूडियो ऑफ स्टार। तो इस स्टूडियो का आपस में जो रिलेशनशिप बन रहा है ना, सेल्फ रिलेशनशिप, वो है वन टू वन का, क्योंकि दोनों तरफ जो है हमारे पास एरोस मेंशन है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा एट मोस्ट। सो ये आपको जो है वो पिक्चर जो है उससे क्लियर हो गया कि रिलेशनशिप्स को हमने रीड आउट कैसे करना है। अगर आपने रिलेशनशिप्स को रीड आउट करना शुरू कर दिया इस तरह से, तो आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको यह सामने ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें तीन हमारे पास एंटिटीज हैं। जैसे मूवी है, मूवी के हमारे पास फोर एट्रीब्यूट्स हैं, टाइटल, ईयर, लेंथ, जेंडर। इसके बाद स्टार है, उसमें नेम और एड्रेस के नाम से एट्रीब्यूट्स हैं। स्टूडियो है, उसमें नेम और एड्रेस के नाम से एट्रीब्यूट्स हैं। कहता है कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके अपने भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का भी एक एट्रीब्यूट है जिसको हम सैलरी के नाम से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, कि बिकॉज वो कहता है कि एक स्टार जो है वो उसकी डिफरेंट सैलरीज हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पे सैलरी, जो सैलरी का एट्रीब्यूट हम बेसिकली अगर हम स्टार में डाल देंगे, तो ये एट्रीब्यूट जो है वो फिक्स कर देगा स्टार की सैलरी को। कि एक स्टार जो है वो बहुत सारी मूवीज में विद डिफरेंट सैलरीज जो है वो काम कर सकता है। ओके, सो वो कहता है कि हम इस जो एट्रीब्यूट है वो रिलेशनशिप में डाल देते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, सो लेकिन वो बाद में कहता है कि दिस इज नॉट अ गुड वे टू ऐड एट्रीब्यूट विद रिलेशनशिप। तो हम एक नई एंटिटी डाल देते हैं उसके साथ। ठीक है, न्यू एंटिटी डाल देते हैं। न्यू एंटिटी का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो जो रिलेशनशिप है उसमें बजाय इसके कि हम उसको उसमें सैलरी का एट्रीब्यूट डालें रिलेशनशिप में, हम एक नई एंटिटी जो है उसकी जगह पे रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम सैलरीज कहते हैं, और सैलरी का जो एट्रीब्यूट होगा फिर वो सैलरी होगा। ओके, ओके। अब हाउ वी कैन कन्वर्ट, ये जो अभी मैं दोबारा से उसी आपको लेके जाना चाह रहा हूँ स्लाइड के ऊपर। सो जैसा कि हमारे पास थ्री वे रिलेशनशिप की एग्जांपल हमने देखी थी, तो उसमें हमारे पास एक रिलेशन था और उसके साथ तीन डिफरेंट एंटिटीज जो हैं वो कनेक्टेड थी। तो वो कहता है कि हम जो है वो मल्टी वे रिलेशनशिप को हम बाइनरी रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मल्टी वे रिलेशनशिप का मतलब मैंने आपको बता दिया, उसको हम बाइनरी रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स के एक एक जो रिलेशनशिप होगा वो दो एंटिटीज के दरमियान होगा। ठीक है, तो वो किस तरह से आपको जो है वो उसका वो व्यू मिलेगा, वो कुछ इस तरह से मिलेगा। जैसे कि अगर हमने थ्री वे रिलेशनशिप को बाइनरी रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या फोर वे रिलेशनशिप को बाइनरी रिलेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम कुछ इस तरह से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम
जो कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि दरमियान में रिलेशनशिप था, हम उसको एंटिटी कंसीडर करेंगे, ठीक है, और उसके साथ हम हर एंटिटी के साथ उसका अलग से रिलेशनशिप शो अप करेंगे। जैसे स्टार्स के साथ उसने रिलेशनशिप बनाया स्टार ऑफ का, मूवीज के साथ रिलेशनशिप बनाया मूवी ऑफ का, स्टूडियो के साथ रिलेशनशिप बनाया स्टूडियो ऑफ स्टार का और प्रोड्यूसिंग ऑफ स्टार का। ओके, सो इस तरह से आप मल्टी वे रिलेशनशिप को बाइनरी रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी रिलेशनशिप जो है वो इजी टू रीड होता है, इस वजह से हम मल्टी वे को बाइनरी रिलेशनशिप में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? सिंपल, आप जो कॉन्ट्रैक्ट्स था वो आप दे सकते हो ऊपर वाले एग्जांपल में। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स था वो हमारे पास क्या था, कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास था रिलेशनशिप, तो इसको हमने डायमंड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। तो इसमें आप दे सकते हो स्टूडियो, मूवी और स्टार्स, ये तीनों जो हैं, और सैलरीज, ये जो फोर वे रिलेशनशिप था वो इस तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कनेक्टेड था। तो इसको हमने बाइनरी रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि हमने एक रिलेशनशिप में सिर्फ दो एंटिटीज लेके आनी है। तो डायमंड जो है वो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और जो रिक्टेंगल्स हैं वो एंटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टार, हमने कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमारे पास प्रीवियस स्लाइड में रिलेशनशिप था उसको हमने एंटिटी बना दिया, और स्टार और एंड कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान हमारे पास एक नया रिलेशनशिप हमने शो कर दिया, इसको हम कहते हैं बाय द रिलेशनशिप। और फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट और मूवी के दरमियान एक रिलेशनशिप जो है मूवी ऑफ का ऐड कर दिया, और इस तरह से हमने कॉन्ट्रैक्ट और स्टूडियो के दरमियान जो दो डिफरेंट रोल्स थे उसमें हमने दो डिफरेंट उसके रिलेशनशिप जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर दिए। ओके, तो इस तरह से आप मल्टी वे रिलेशनशिप्स को बाइनरी रिलेशनशिप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जैसे कि मूवीज हैं, तो मूवीज के हमारे पास फोर एट्रीब्यूट्स हैं, लेंथ, टाइटल, ईयर, जेंडर। कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जिनमें कुछ स्पेशल हम एट्रीब्यूट्स जो है वो रखना चाहते हैं। मीन्स कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सारी मूवीज का पार्ट नहीं होंगे। ओके, तो उस केस में हम इज आर रिलेशनशिप जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, कुछ ऐसी मूवीज होती हैं, ठीक है, जिनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दूसरी मूवीज की प्रॉपर्टीज नहीं होती, ठीक है, तो उस केस में हम इज आर रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट करते हैं। उसकी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मूवी है, अगर वो मूवी जो है कार्टून टाइप मूवी है, ठीक है, तो कार्टून या मर्डर टाइप मूवी है, तो मर्डर टाइप मूवी है तो उसमें उसकी एक प्रॉपर्टी है वेपन, कि आपने इस मूवी में कौन सा वेपन यूज किया। ओके, सो ये जो वेपन है एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट सारी मूवीज का पार्ट नहीं है। ओके, ना नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे सर मूवी, जी, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि सारी, मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो जो कि कॉमन नहीं होते, जो कि सारी मूवीज का पार्ट नहीं हो सकते, तो हम उसको मूवी का एट्रीब्यूट नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं, इस मूवी रिलेशन मूवी से हम एक और एंटिटी जो है वो इनहेरिट कर लेते हैं इज आर रिलेशनशिप के थ्रू। तो इज आर रिलेशनशिप को हम ट्राइंगल से शो करते हैं, ठीक है। तो ये कार्टून क्या है, कार्टून भी एक मूवी ही है, ठीक है, कार्टून इज आ मूवी, ये भी मूवी ही है, ठीक है, लेकिन इसने इसको इनहेरिट कर लिया कार्टून ने मूवीज को, ठीक है, लेकिन हम कार्टून में एक और रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं। वो रिलेशनशिप है स्टार्स, टू स्टार्स के साथ, जो कि एक एंटिटी है वॉइसिस का, ठीक है, और मर्डर जो मूवी है उसमें हम एक एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं एक्स्ट्रा, जो कि एट्रीब्यूट है वेपन का। ओके, तो जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट हो जिसमें ऐसे एट्रीब्यूट्स हो जो कि सेम एंड जो कि एक एक एंटिटी में हर टप्पल का पार्ट नहीं हो सकते, कुछ स्पेशल मूवीज होंगी सिर्फ वो उनका पार्ट होंगे, तो आप उसको इज आर रिलेशनशिप से इस तरह से मॉडल कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये अभी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डेटा मॉडलिंग, कि डेटा मॉडलिंग क्या होती है। डेटा मॉडलिंग में आपको इज आर रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी और मैनी टू वन टू वन का रिलेशनशिप का आइडिया हो गया कि वो क्या होते हैं। ओके, सो दोबारा इधर आते हैं हमारे पास इज आर रिलेशनशिप हमने डिजाइन कर लिया, ठीक है। ओके,
सो देर आर सम गुड प्रिंसिपल्स जिसकी बेस पे आप जो है वो आपका मॉडल जो है वो गुड डिज़ाइन कहलाएगा. वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स होंगे जिसकी बेस पे आपका मॉडल जो है वो गुड डिज़ाइन कहलाएगा. उसमें पहला पहली चीज़ है फेथफुलनेस. फेथफुलनेस का मतलब ये है कि आपने एंटिटी का नेम और एंटिटी जो आपने चूज करनी है वो रियल वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए. ठीक है, रियल वर्ल्ड एंटिटी जो है उसकी रिफ्लेक्शन आनी चाहिए. ये नहीं है कि आपने प्रोफेसर का एट्रीब्यूट बनाया है मूवी के जो है ना, वो मूवी कौन सी जो है वो देखता है एंड फ्ला ब्ला ब्ला. सो प्रोफेसर जो है वो जब भी आपने उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स बनाने हैं तो वो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो रियल वर्ल्ड एट्रीब्यूट्स होने चाहिए. ओके, और एंटिटीज भी रियल वर्ल्ड एंटिटीज जो हैं वो होनी चाहिए. तो इसको कहते हैं फेथफुलनेस. ओके, और आपने इन डेटा रिडंडेंसी को अवॉइड करना है. ये मैं आपको बात बता रहा था शुरू में कि गुड डिज़ाइन का मतलब क्या है. गुड डिज़ाइन का मतलब यह है कि डेटा रिडंडेंसी उसको अवॉइड करना है. एट्रीब्यूट्स जो है वो अगर उनका रिलेशनशिप डुप्लीकेट हो रहा है तो उससे अवॉइड करना है एंड सो ऑन. और राइट रिलेशनशिप चूज करना है. स्टूडेंट्स, अगर आपने वन टू वन का रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट करना है तो आप उसको मैनी टू वन के रिलेशनशिप के साथ भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो. ओके, वन टू वन रिलेशनशिप इज अ स्पेशल केस ऑफ मैनी टू वन रिलेशनशिप. ओके, इस तरह से अगर आप मैनी टू वन का रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो आप उसको मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप्स भी बिल्ड कर सकते हो. अगर आपने ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को वो इम्प्लीमेंट कर रहा है तो मैनी टू वन का रिलेशनशिप तो ऑब्वियसली अचीवेबल होगा. उसमें उसमें मैनी टू वन का जो डेटा होगा वो तो उसमें स्टोर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो आपने डेटा मॉडल करना था मैनी टू वन का, लेकिन आपने मॉडल कर दिया मैनी टू मैनी का. ठीक है, सो दैट इज़ नॉट अ गुड या राइट वे टू चूज रिलेशनशिप्स. अगर मैनी टू वन का रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट करना था तो आप मैनी टू मैनी का ना करें, क्योंकि कल को प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, ऑब्वियसली उसमें कोई प्रॉब्लम्स बाद में क्रिएट हो सकते हैं. ओके, सो आपने राइट एट्रीब्यूट जो है वो हर एंटिटी का वो चूज़ करना है. जैसे हमें अभी मैं एग्जांपल दी आपको कि कुछ स्पेशल मूवीज़ होती हैं जिनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो सारी के सारे वो कैरेक्टरिस्टिक्स सारी मूवीज़ के साथ नहीं आएंगे. अगर आप वो वेपन का जो यहाँ पे हमने जो वेपन एट्रीब्यूट देखा था, वेपन का एट्रीब्यूट अगर आप सारी मूवीज़ का एट्रीब्यूट बना देते हैं बजाय इसके कि आप मर्डर मूवीज मर्डर माइस्ट्रीज का बनाते, अगर मैं वेपन जो है वो यहाँ पे शो कर देता मूवी के साथ, तो फिर क्या होना था, आपकी एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो एवी यूज होती रहनी थी. ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी मूवीज ऐसी होनी थी जो कि मर्डर मूवीज होनी नहीं थी, उनका वेपन का जो एट्रीब्यूट था उसमें नल आना था. ठीक है, तो ये आपकी जो है वो बेसिकली डेटा और स्पेस जो है वो आपकी यूटिलाइज हो रही होगी उस केस में, तो वो एक गुड डिज़ाइन नहीं है. ठीक है, तो आपने राइट एट्रीब्यूट जो है वो हर एंटिटी का वो पिक आउट करना है. तो ये इसकी इसका थर्ड जो है वो गुड डिज़ाइन प्रिंसिपल है. पहला है फेथफुलनेस, कि आपने रियल वर्ल्ड एंटिटीज की रिप्रेजेंटेशन देनी है, आपने डेटा रिडंडेंसीज को अवॉइड करना है, और फिर आपने राइट एट्रीब्यूट और राइट एंटिटी सेट जो है वो पिकअप करना है. ओके, नंबर फोर, हर एंटिटी की आपने कीज आइडेंटिफाई करनी है. ठीक है, कि उसकी प्राइमरी की कौन सी है. वो एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, वो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं. ओके, नंबर ये नंबर फोर था. सो इन इन फोर फाइव प्रिंसिपल्स की बेस पे हम बेसिकली गुड डिज़ाइन जो है वो डिसाइड करते हैं. जिस अगर दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सेम प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया होगा और एक स्टूडेंट ने उसमें एंटिटीज़ के नेम्स को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को एट्रीब्यूट्स को सही रिफ्लेक्ट किया होगा और उसमें प्राइमरी की आइडेंटिफाई की होगी और उसमें डेटा रिडंडेंसी नहीं होगी, सो इज आर का रिलेशनशिप उसने यूज़ किया होगा, तो वो मॉडल ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर एक ऐसे स्टूडेंट के जिसने मूवीज़ के टेबल में रिलेशन में सारे के सारे एट्रीब्यूट्स डाल दिए. उसको पता ही नहीं है कि किसको मैंने एंटिटी बनाना है और किसको एट्रीब्यूट बनाना है, तो वो मॉडल जो है वो पुअर मॉडल होगा. तो अब आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होती हुई नज़र आएगी कि डेटा मॉडलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है. डेटा मॉडलिंग जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे रिलेशनल स्कीमा में
तो तब आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा ये तुम इसमें ये चीजें होती हैं, ठीक है। ओके सो ओके कुछ ऐसी एंटिटीज होती है जिसको हम कहते हैं वीक एंटिटी सेट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं रिलेशन स्कीमा में। ओके सर, मींस नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ये जो हम मॉडलिंग कर रहे हैं इसको हम कन्वर्ट करेंगे रिलेशनल स्कीमा में। रिलेशनल स्कीमा का मतलब ये है कि हम इनके इक्विवेलेंट टेबल्स बनाएंगे। ओके तो जब इनके इक्विवेलेंट टेबल्स सही। बनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये तो मैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहा हूँ। जब आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी तो फिर ठीक आप है उसमें सर, डेटा डेटा स्टोर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो फिर आपकी में वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, आपकी ना तो डेटा रिडंडेंसी आएगी ना ना इसमें वो स्पेस के कोई इश्यूज आएंगे। जी इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सर, ये सर। जो